ए, बेबी तुम इतनी जल्दी पहुंच भी गई। इतनी जल्दी है मुझसे मिलने की? अच्छा थोड़ा वेट करो, बिकॉज़ गुड थिंग्स टेक टाइम। सी या। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया था। तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? क्योंकि मेरा मानना है कि खूबसूरती की तारीफ में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सच बताऊं, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मेरे बाइसेप वो भी बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी जिंदगी में पहले कभी कोई लड़की तो नहीं थी? जिंदगी में सब बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे सारे काम आसानी से हो जाते हैं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। इस फैमिली वाली बात पर आके ना सारा दो टूट जाता है। के बाद है, एक और दफा ट्राई करता है। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? क्योंकि इतने हैंडसम लड़के की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, ये मैं बात कैसे मान लूं? बेबी, पास्ट को खंगालने का क्या फायदा, फ्यूचर को देखो ना। मतलब ये कि जब तुम कोई बुक पढ़ती हो तो अगले पेज पे जाती हो या पिछले पेज पे? अगले पेज पे। तो अगले पेज पर फोकस करो ना बेबी, पिछले पेज को पढ़ के क्या फायदा। अरे वाह, तुम तो अच्छे खासे फिलोसोफर निकले। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। ऑर्डर करें? हमने ऑर्डर सोचा नहीं। पेशेंट इंसान, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भाईजान प्लीज ऐसा मत करे। ये सब तुम्हारे भाई हैं? हाँ। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, तुम तो कह रही थी तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो। भाई साहब, यहाँ शोर करने का क्या फायदा, हम बैठ के बात करते हैं ना। तुझे तो आज हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो बुला बुला अपने घर वालों को यहाँ पर। हेलो। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या मसला है यार, जितना मैं बुरी चीजों से बचने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही मेरा पीछा करती है। वाह, क्या करूँ जानी? जानी कहाँ हो? जानी बाहर आओ, गाड़ी निकालो। सारा ये देखो कितना अच्छा लड़का है, वो जो शादी वाली ऐप है ना, उसमें मैंने अकाउंट बनाया है। अम्मा, सुबह मेरा पिता छोड़ कर जाना है मुझे। कहाँ जाना है? एक दोहरी काम है जानी। अरे देख तो लो। अरे देखो ना। मुझे नहीं देखना जानी। अब देखोगी नहीं तो पसंद कैसे करोगी? कि देखने के लायक भी है जानी, पसंद नहीं करोगी तो शादी कैसे होगी? अम्मा प्लीज, इस शादी के टॉपिक को सर्दियों के कपड़ों की तरह किसी स्टोर रूम में ले जाके बंद कर दे, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई, शादी तो करनी होती है ना। क्यों करनी होती है? क्योंकि टाइम नहीं है उनको जानी। क्योंकि
क्योंकि सब करते हैं। बस इसलिए मुझे नहीं करनी। जानी बाहर आओ। सारा बजी क्या कानों में रूठ उसके बैठे हुए थे। अरे इसे क्यों डांट रही हो? ये अम्मा के लिए नाश्ता बना रहा है। पर नाश्ता अभी तक बना नहीं है। एक काम करो, गाड़ी निकालो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। आधे घंटे का काम है। अम्मा प्लीज आप नाश्ता बना दे। ओके बाय, आई लव यू। बेटा कहाँ तक बना है नाश्ता? अभी तो शुरू भी नहीं किया था। है? हाँ। तो पराठा पकड़ लो उसको। अरे तुमसे पकड़ो। अरे भाई ताम, तुम हमेशा जेरी से हार जाते हो। लाना क्या तुम? हाँ बहुरानी क्या हुआ? जी गरम गरम पराठे खाओ तो मजा बनाओ, तो नार देसी अंडे दा ऑमलेट भी टकाओ। शुगर चेक की थी? हाँ वो तो सुबह ही कर दी थी। सेट बिल्कुल चोट अल्लाह दी कसम। ते फिर एंजॉय। चेती चेती इससे पहले कि आपकी मुखबरी हो जाए और या साहब को खबर हो जाए। बेटा वो तुम्हारा लंबा शौर है कहाँ? बाहर बैठे अखबार हिफ्ज कर रहे हैं। पुराना अखबार पढ़ रहा होगा। और की अब्बा जी, पुराना बंदा पुराना अखबार पुरानी आदत। जाओ देखो आ तो नहीं। बाहर जाके स्टिंग ऑपरेशन करती हूँ, बातों में लगाती हूँ, आप मिनटों में सफाया खाते। ठीक है? ओके भाई वाह, स्वाद आ गया बहू रानी। ये भी ठीक है, ये भी मुझे याद है, बिल्कुल सही। ये खबर भी सही है, बिल्कुल सही। या साहब गर्मा गर्म चाय। देखा ये? हाँ देखा ये, मैंने कहा था ना कि 1995 में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब्बा जी मानने को तैयार ही नहीं है। पूरे 10 रुपए बढ़े थे और ये 10 दिसंबर 1995 का अखबार है और इसमें पेट्रोल बढ़ने की खबर भी है। अभी अब्बा जी को जाके दिखा के आता हूँ मैं ये। अरे सुनो यार साहब, 1995 में तो अब्बा जी जवान थे। जवानी के जोश में कौन पेट्रोल के भाव याद रखता है? अब आप रिलैक्स करें, पुरानी खबरें एंजॉय करें। तुसी तो जल्दी रिटायर हो गए स्कूल तो, हवा खाओ हवा खाओ। अरे अब्बा जी ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि तुम खुद को अकले खुद समझते हो, इतनी पुरानी खबर किसी को कैसे याद रह सकती है। अब जाके मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी याददाश्त कितनी दुरुस्त है। अब यहाँ साहब एक मिनट, इतना गुस्सा छोड़ो। अब्बा जी तो सिटी आ गए हैं, मेरा मतलब है बहुत प्यारे हैं, उम्र हो गई है ना, तो आप इस उम्र में जाकर उनके साथ मुखबारी करेंगे? रहने दे। मैं कहना तुसी वहाँ का एंजॉय करो। कोई नहीं, ये चलता है हमारे दिन में, आनाता हूँ मैं भी। क्या सब एंजॉय करें। अब्बा जी तो गए। कहाँ है तेरे घर वाले और अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना भाईजान कि वो गाड़ी पे आ रहे हैं, अगर रुककर आ रहे होते तो अब तक आ जाते, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों आप किराए की मोटरसाइकिल पर आए? तू अपना मुंह बंद कर और कॉल कर तुम्हारा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। दोस्त को बुलाने को नहीं कहा था, घर वालों को बुलाने को कहा था। हाँ, साथ को मैं बचपन से जानती हूँ, फैमिली की तरह है मेरी है। अभी फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं था इसकी फैमिली में, तो जो बात करनी है मुझसे करनी पड़ेगी आपको। करें बात करें। देखो लड़की, ये लड़का हमारी बहन से छुप छुप के मिल रहा है। हम गैरतमंद लोग हैं, हमारे यहाँ गैरत के नाम पे मारा मारी हो जाती है। देखें सर, गैरतमंद लोग इस तरह रेस्टोरेंट में खड़े होके अपनी बहन को बेइज्जत नहीं करते जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि आप अपनी बहन को रेस्टोरेंट में खड़ा करके बेइज्जत कर रहे हैं। चार लोग देख रहे हैं और मेरे भाई किसी ने वीडियो बना ली और वो ऑनलाइन पोस्ट कर दी और वो वायरल हो गई। तो आपकी इज्जत का तो फालूदा बन जाएगा, मैं बता रही हूँ। मेरे ख्याल से ये लड़की सही कह रही है, तो हमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए।
क्या खूबसूरत शेर की आमद हुई है। यूं उम्र गुजर गई तेरी याद के सहारे, गैन से गुब्बारे पर से फवारे। वाह, मरवा दिया शेर ने, लेकिन शेर तो बहुत अच्छा था। शाबाश शायरा नाजो। सारा, सारा, थैंक यू सो मच यार। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें कॉल कर सकता था और तुम मेरी एक कॉल पर फौरन पहुंच गई, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम्हें इतनी सुबह सुबह लड़की से मिलने का क्या शौक चढ़ा था? यार वो जिम में आज बाइसेप किया था, उसकी वजह से ना पंप अच्छा आ रहा था। मैंने सोचा इसी बहाने लड़की से मिल लेते हैं। वो क्या है ना, जब पंप आ रहा हो तो शर्ट अच्छी लगती है। दिखाना कौन सा पंप, कैसा पंप, बचाने के लिए तो मुझे ही आना पड़ा ना। लड़की के भाई थे, उनसे थोड़ी लड़ सकता हूँ मैं। साथ तुम ना बाज आ जाओ, वरना किसी दिन बहुत बुरा फंसोगे। सारा इस मामले में ना मेरी कोई गलती नहीं। बिल्कुल, तुम्हारी तो गलती होती नहीं है, तुम तो मिस्टर परफेक्ट हो। हाँ वो तुम जानती हो लड़कियाँ खुद मेरे पीछे आती है ना यार। तुम्हारे मुँह में जबान नहीं है, मना नहीं कर सकते। और प्लीज ये छुप छुप के मिलना ना बंद कर दो। उसकी टेंशन किसको बुरी लगती है, और वैसे ना लड़कियों को एकदम मना कर दो तो उनका दिल टूट जाता, और मैं इतना जालिम तो हूँ नहीं कि लड़कियों का दिल तोड़ूं। लड़की का दिल बचाने के चक्कर में ना किसी दिन तुम अपनी हड्डियां तोड़वाओगे। और बेटा अभी मैं नहीं आती ना तो वो लड़की के भाई तुम्हें मार मार के तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देते, बता रही हूँ। इसलिए तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तुमने क्या दो जुमले बोल के सारे मामले को ठंडा कर दिया। यही तो टैलेंट है तुम्हारे पास। अच्छा बस बस वातन बनाओ, गाड़ी में जानी बैठा हुआ है, उसके सामने ना एक लफ्ज़ मत बोलना तुम। चलो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ, यहाँ से सीधा ऑफिस वापस। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? वो वहाँ पे। तो यहाँ तक चल के क्यों आया मेरे साथ? तुम्हें कंपनी दे रहे और तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे। हो गया आपका शुक्रिया, मैं जा सकती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो। ये इस साथ से मिलने के लिए इतनी जल्दी मचाई हुई थी आपने? अपने काम से काम रखो, चलो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया जो इतनी जल्दी में जा रही है। जानी अपनी ना हद में रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, गाड़ी चलाओ। चलाऊंगा, गाड़ी चलाने आया हूँ। देखिए मैं कह रहा था आप मान नहीं रहे थे। नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब्बा जी मुझे सब याद रहता है, अब देखें ये अखबार कितना पुराना है, लेकिन मुझे याद था कि उस साल क्या हुआ था। अरे तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी याददाश्त जबरदस्त है बेटा। आपने दवा लिया? हाँ वो तो वक्त पे ले ली थी। अब्बा जी प्लीज दवा लेने में नागा ना करें और बदपरहेजी भी ना किया करें। बेटा काहे की बदपरहेजी, मैं तो उबला हुआ खाना खाता हूँ जिसमें नमक है ना मिर्च है, सारी जिंदगी के रंग खत्म हो चुके हैं, लेकिन परहेज तो करना है जैसा तुम कहते हो। ये सब आपके भले के लिए, याद रखिएगा। मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है मेरा। अच्छा।
तुझे पाच के वो पढ़ते नहीं गए? अरे हमें पढ़ने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। प्रोडक्ट क्या है? अच्छी कटो कटो अब्बा जी तुआडिया चलाकिया। की कीता है? कुछ ना नाश मारता तुसी। अरे बेटा ये दाग तो धुल जाएंगे लेकिन तुम्हारा शौहर जो मेरे दिमाग की हालत करता ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता और तुम्हारी भी शामत आती। फिर तो तुसी ठीक ही कीता अब्बा जी, तुसी बड़े चलाक हो। हुणे मैं डैमेज कंट्रोल करनी आ। नाजिया नी नाजिया अंजी पुत्र एदा हुलिया दुरुस्त कर दे, अब्बा जी ने गंद मारे एनू भी ला दे। बाऊ बेगम भाई मैंने तो अभी आधा भी नहीं खाया, खाने तो दो यार अट्टा पराठा। अब्बा जी हुण अजे रह की गया है? बस भी कर दो अल्लाह दा वास्ता है, तुसी ओदे में जाओगे तो मैनू भी लेके जाओगे। चल चल लै जा पुत्र। अब्बा जी तुसी रिलैक्स भी कीता करो कि ना खाओगे। आधा भी नहीं हुआ था। अरे भाई मेरा रिमोट कहाँ है? असल अम्मा अम्मा सलाम किया है मैंने, क्या हो गया? ये अच्छा है पहले सब कुछ कर गुजरो और फिर अनजान बन जाओ कि क्या हुआ है। अच्छा मैं समझ गई। देखिए अम्मा अभी ना मुझे शादी नहीं करनी, पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। चल जरा खड़ी हो। हाँ अरे खड़ी हो। देख माशाल्लाह अपने पैरों पे ही खड़ी हो, अब कर लो ना शादी। अम्मा आपको पता है मैं आपसे क्या कह रही हूँ, पहले मुझे जॉब करनी है। इतनी पढ़ाई मैंने इसलिए की थी कि फौरन शादी कर लूं। अच्छा भाई जो मर्जी में आए करो, वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अच्छा ना मैं रास्ते मत आऊं। क्यों ना हो नाराज, पहले तुमने मेरा दिमाग खराब किया और फिर तुम्हारी दादी ने मुझे इतनी सुनाई है। वो क्यों? तुम जाने को साथ ले गई ना, उन्हें नाश्ता ही नहीं मिला। जब तक मैं गई किचन में तो गैस जा चुकी थी, चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, अब मुंह फुला के बैठी है वहां। तो ये गैस Looking great, Zami. Thank you. Very nice style, Sidra. Thank you. ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि सारे काम छुड़वा के तुम जानी को अपने साथ ले गई? अरे दादी एक दोस्त की गाड़ी खराब हो गई थी तो उसकी कॉल आई थी, उसको पिक करके बस घर छोड़ने गई थी। अच्छा तो शहर के सारे टैक्सी रिक्शा सब नापैद हो गए थे जो उसने तुम्हें कॉल की? हा? अब उस बेचारी के पास पैसे नहीं थे ना। अरे तो घर आके दे देती। दादी ये झूठ बोल रही है, किसी दोस्त से मिलने गई थी। ये क्या कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आया। तो खा ले कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, नीचे मेरा साथ है ना उससे मिलने गई थी किसी रेस्टोरेंट में और 10 मिनट में वापस आई है। 10 मिनट में सारा दादी छोड़े ना, लंबी कहानी है। ये साथ का बच्चा ना जब भी खसता है तो किसे कॉल करता है? मुझे। अच्छा है छोड़िए, ये बताएं आपका मुंह क्यों ऑफ है? दादी ये देख रही है आप कितनी चालाकी से टॉपिक चेंज किया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। हाँ
हो गई तसल्ली, अब निकलो यहाँ से। इंसान की भी कोई जिंदगी नहीं। सुबह से भूखी बैठी हूँ, तुम जानी को लेके चली गई, पीछे से गैस चली गई, अब बताओ नाश्ता कैसे करूंगी। दादी ये गैस बिजली के मसले तो हल करवाने पड़ेंगे ना अब। अरे तुम बताओ मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, साथ ही घर चलते हैं और जाकर दादाजान से बात करते हैं। इतना सा मसला कि तुम्हें नाश्ता नहीं मिला, ये इतना सा मसला है? अरे भाई इतना बड़ा मसला नहीं है, जिसकी तुम डिमांड कर रही हो कि बिजली और गैस का मीटर अलग अलग होना चाहिए। तुम भूखे रहोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा मसला है। अरे तो रजिया सुल्ताना परेशान क्यों हो, तुम नाश्ता हमारे यहाँ कर लो भाई, पंजाब की चट्टी भाई, वो देसी घी का पराठा और देसी घी में ऑमलेट बनाओ, चीज जैसा तुम सुबह बता रही थी ना कि सबको नाश्ता, यानी जवान लोगों को वो नाश्ता, वो ये बता रही थी, मैंने तो फीकी चाय और ब्राउन ब्रेड खाई बस। हाँ है ना, है ना, है ना? जाओ वैसे ही देसी घी का पराठा और चीज ऑमलेट ले आओ इनके लिए, जाओ। सारे मले की गुलामी मेरे सिर ते पा दियो, और भी कोई रिश्तेदार है तो उन्होंने उन्हें बुला लियो। लो हो गया नाश्ते का मसला हल। नहीं ऐसे मसला हल नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ चूल्हा जलता है तो हमारे पास गैस नहीं आती, मीटर अलग होंगे, ये रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। अरे रजिया सुल्ताना ये मीटर अलग करने की बात नहीं है, दिल अलग करने की बात है, ऐसा मत ओ खुदारा। दादा जान आपको नहीं लगता कि आप इस मामले को कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामेटिक बना रहे हैं? अरे बेटी तुम क्या जानो, तुम्हें पता है जब तुम्हारे दादा ने और मैंने ये जमीन खरीदी थी और जब घर तैयार किया बनाया तो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, यानी मेरा जिगरी यार था वो। लो शुरू हो गया फिर। लेकिन एक नंबर का घटिया वादा खिलाफ इंसान था वो मनुष्य। अब्दुल गनी तुम सच्चा गए हो क्या, हर वक्त मेरे मरहूम शोहर के बारे में ऑल फॉल बकते रहते हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, देखो बेटा उसने मुझसे वादा किया था हम दोनों एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे, और देखो वो हमें छोड़ के चला गया और हम बैठे के बैठे रह गए, अब ये वादा खिलाफ ही नहीं हुई। ऐसे इंसान को तो बीच चौराहे में उल्टा करके हंटर मारने चाहिए। नहीं अब मैं मजीद नहीं सुन सकती अपने मरहूम शोहर के बारे में, मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करती जाओ, रखो अपना नाश्ता अपने पास। दादी नाश्ता मैं नाजिया के हाथ भिजवा दूंगा। रजिया सुल्ताना भाई तुम क्या देख रहे हो कोट पतलू। अब्बा जी आपने नाश्ते में क्या खाया था? मैंने क्या खाया था, जो किसी भी बकरी के सामने रखो ना तो वो सूंघ के मुंह उधर कर ले, ब्राउन ब्रेड। आपने जो तस्वीर बनाने भेजी थी वो आ गई। ओ मेरा यार कहाँ चले गए यार तुम हमें छोड़कर, अब वापस आ जाओ है? तुम तो नहीं आ सकते, अब मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा है? हाय हाय। क्या लाइयो? दादी के लिए नाश्ता। अरे यार रोज ले आया करो, मेरी जान तो छूटेगी। पता है वो आज नीचे आई थी, गैस का मीटर ही अलग करने की बात कर रही है। तो इसमें कौन सी नई बात है, हर थोड़े दिन बाद ये जोश चढ़ता है और फिर ठंडा हो जाता है। अरे खैर तुम बताओ कैसे? अरे मैं वैसा ही लापता लावारिस, जिसका कोई पता नहीं है कि वो आसमान से गिरा है या जमीन से उगा। अरे ऐसा तो ना बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे नाजो सिर्फ तुम्हारे लिए तो इस घर में अभी तक रुका हूँ, वरना कब का इस नौकरी को लात मार कर जा चुका होता। तो आप रुके रहना, भाग मत जाना मुझे छोड़कर।
तो नहीं भागूंगा। चल नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं देखकर आती हूँ। देखो किरण, मैं जानता हूँ तुम मेरी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो, लेकिन अभी शादी की बात करना डस मेक सेंस। तुम ऐसा करो, तुम अपनी फैमिली को समझाओ। हाँ, हम कल बात करते हैं। ऑलराइट, बाय। वही लड़की थी ना ये? तुम खड़े हुए वहां मेरी बातें सुन रही हो? खास तौर पे कान लगाकर नहीं सुन रही थी, ऊपर आई थी तो आवाज आ गई थी। वही लड़की थी यार, शादी का बोल रही है। तो कर लो। दिमाग ठीक है, मेरे टाइप की नहीं है वो। तो कहाँ मिली थी? दोस्त की बहन की शादी में। खाने की प्लेटें खत्म हुई, मैंने अपनी प्लेट ऑफर कर दी। उसके बाद पूरे हॉल में मेरे पीछे 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 पीछे। और तुम तो इतने नेक हो कि तुमने प्लेट ऑफर ऐसे ही कर दी और उसको ले मिली। बातें हैं। हाँ, सच बोल रहा हूँ, लेकिन दो हफ्ते में शादी तक बात कौन ले जाता है यार? शादी? हाँ, doesn't make sense। और मुझे बेचारे को क्या पता कि तुम एक नंबर के छिछोर इंसान हो। वो पागल तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी होगी। सीरियसली? तो मेरे बारे में ये सब सोचती हो? मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं है, सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ। एक नंबर के अटेंशन सीकर हो तुम। मैं अटेंशन सीकर नहीं, अटेंशन खुद ढूंढ लेती हूँ। ये देखो, बाइसेप की शेप आना शुरू होगी। ये Not interested. मेरी छोड़ो, अपनी सुनो, क्या चल रहा? कुछ भी नहीं यार, बस जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। जॉब? उसकी क्या जरूरत है? कोई अच्छा सा लड़का देख के उससे शादी कर लो, सिंपल। ज्यादा ना मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। माँ से याद आया, अब्बा कैसे? इसको क्या हुआ? किरण का क्या करूं? देखो भाई, ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना, ये सैंपल है और इतनी जबरदस्त मार्केट में जा रही है, जरा इस्तेमाल करो इसको। और इसको तो रेकमेंड कर रहे हैं बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बात है हमारी इस प्रोडक्ट की। और मैं आप किसकी कॉल है तेरा देखना? सर, आपकी वाइफ की कॉल। हाँ जरा स्पीकर पे डालो। तो ये जो है ना, ये वाली प्रोडक्ट जो है। हाँ क्या बात है यास्मीन? सर खैरियत है ना? आपको इससे क्या, घर वालों की तो कोई फिक्र ही नहीं आपको? अरे ऐसी बात नहीं है यास्मीन, लेकिन हुआ क्या है? सारा की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। हाँ तो क्या हुआ है सारा को? शादी की उम्र आ गई है उसकी, मैं उसे जो लड़का दिखाती हूँ मना कर देती है, और आपका कोई अमल दखल है नहीं कि आप ही उसे समझाएं? अरे जब मैं घर आऊंगा ना तो समझा दूंगा उसे। ये तो फिर वही बात हो गई ना, महीने में एक बार आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। देखो यास्मीन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मा जान ने मुझे तुम्हारी वजह से घर से निकाला हुआ, वरना मेरा क्या होता, अभी आ जाऊं। बस बस मेरा मुंह ना खुलवाए। अरे एक मिनट, जो बातें राज की है वो राज ही रहने दे। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं घर आऊंगा तो समझा दूंगा ना सारा को यास्मीन। हाँ हाँ बेहतर होगा आप उसे समझा लें। मेरी तो एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है। ढिटाई के मामले में ना पूरी आप पर गई है। गुस्सा तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता, और इस उम्र में अगर चेहरे पे चुड़ियां पड़ जाए ना तो सारी जिंदगी नहीं जाती। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं आऊंगा ना छोटे, और मैं बात करूंगा इस वक्त में जरूरी मीटिंग में। ओके ओके अल्लाह हाफिज। मैं बता रहा था कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है ना, ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। और आपने जब इसको लगाना है ना हल्का सा, मैं खुद भी यूज करता हूँ, ये ऐसे करके ना, ये देखें ऐसे लगाना,
फिर रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ हम क्लाइंट को भी यही समझाए कि इस तरह लगाना चाहिए, हम इसके लिए एड भी बनाएंगे, क्या ख्याल है? ठीक है सर, एक तो इस घर में सफाइयाँ भी मैं करूँ, ड्राइवर भी मैं ही हूँ, खाना भी मैं पकाऊँ, और अब वाले भी मैं हूँ कौन? खाला, संजीदा खाला, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आना हुआ आपका? वालेकुम अस्सलाम, गुजर रही थी तो सोचा खाला को सलाम कर लो। वैसे हैरत की बात है कि आपका ब्यूटी पार्लर यहाँ से काफी दूर है, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन आपका गुजर यहाँ से क्यों हो जाता है? ये तुम क्या एक तफ्तीशी अफसर की तरह मुझे सवाल कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं जहाँ से भी गुजरूं। नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर मुफ्त की चाय पीने आती हैं। मैं तुम्हें ऐसी वैसी लगती हूँ? अब अगर इस सवाल का जवाब मैं हाँ में दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, फिर आप जाके दादी से मेरी शिकायत करेंगी। जॉनी, तुम ना औकात में रहो, ठीक कहते हैं लोग, अगर नौकरों को औकात से ज्यादा छूट दी जाए तो वो जूते समेत सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। संजीदा, अस्सलाम वालेकुम खाना। वालेकुम अस्सलाम। संजीदा, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी अभी अभी। वैसे दादी, मैंने सुना है कि शैतानों की बहुत लंबी उम्र होती है। खाला, इस पर तमीज की बातें सुन रही है? मुझे क्या पता मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जो सुना था मैंने पूछ लिया। अरे संजीदा, इसकी बातों पे ध्यान न दिया करो, इस घामड़ की बातें इस कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दिया करो। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मेरे जरा नाखून तो चेक करो। चेक करो वो खाला, मैं मिलने आई थी खाला। अरे वो तुझे हॉल में ला, जा 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 जल्दी कर। क्या हो गया अम्मी, छुट्टी वाले दिन तो से कौन से सोने दिया करे। पुत्र जी, तड़ी मुलाकात आई है, चल मेरे नाल चल। मुलाकात? कौन आया? ये तो तू ही देख के बताएगा कि क्यों आए हैं। हाय मेरे अल्लाह, आ जा पुत्र, जल्दी कर। आता हूँ। चेंज तो कर लो। जी दादी। सारा, ये हलवा नीचे देकर आ जाओ, अब्दुल गनी को बहुत पसंद है ना? ओहो, ये किस खुशी में हलवा बांटा जा रहा है? किसी खुशी में नहीं, बस वो कल मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दी थी ना, उसके बावजूद आज नाश्ता बनवा कर भिजवा दिया। जो भी है, ख्याल तो रखते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा कहना कि मीठा जान कुछ कर कम रखा है, बड़े मियाँ को शुगर का खतरा है। ठीक है। वैसे दादी एक बात पूछूं? पूछ। आप इतनी रहमदिल हैं, कल इतनी बातें सुनाई उनको और फिर आज हर बार बेच के उनको कंपनसेट कर रही हैं, तो फिर अब्बा के साथ क्यों रहमदिली नहीं दिखाती? ये क्या बातें लेकर बैठती हूँ सुबह सुबह? मुझे बस ख्याल आ रहा था कि इतने अरसे से अब्बा अलग रहते हैं क्योंकि आप उन्हें यहाँ आने ही नहीं देती। सारा, इस मौजू पर मैं बात नहीं करनी चाहती। लेकिन मुझे तो बात करनी है ना। मैंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई है, इस मौजू पर बात फिर कभी करेंगे। जी अम्मी, कौन आया मुझसे मिलने?